जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर की पार्टी को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 तारीख को। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले तो टेलीफोनिकली आगाह किया गया और उसके बाद एक फॉर्मल इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया। जैसा कि बाकी कई पार्टी के लीडर को इन्विटेशन इस सिलसिले में इस मीटिंग को लेके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस चीज को डिस्कस करने के लिए आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसे हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं उसकी एक मीटिंग बुलाई गई जिसको पार्टी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चेयर किया। इस मीटिंग में सारे जो डीएसी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की जम्मू से भी कश्मीर से भी और इस मसले को इस इनविटेशन को इस मीटिंग को हेड बे डिस्कस किया गया। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशन दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सारी लीडरशिप ने डीएसी के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दो दिन बाद पीपुल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहां पे भी एक लाए अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर हमने सुना है कि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक कमला के कॉल करके ये कहा कि आप सबकी तरफ से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं एज ए बिकॉज पीडीपी ऑल्सो पीएजीडी शिकर है तो सबकी तरफ से फारूक कमला को ये मंजिल दिया जाएगा वो बात है। मैं आपको बता रहा हूं जो ताजा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेकर वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई उसमें सबने अपनी तजवीज दी महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया इसके बाद पीएजीडी की एक मीटिंग होनी वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद पीएजीडी की मीटिंग कब होगी वो मंडे को ट्यूजडे को होगी या वेडनेसडे आपने कहा दो दिन के बाद जी ट्यूजडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई।